आज हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे कम्प्लीटली लिंक्ड करते हैं डेटा के साथ जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास में। ठीक है, इस चैप्टर में से ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप इसी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लोगे, दैट्स एनफ। राइट, देखिए जैसे हम लोग इसमें क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर का हम लोग देख रहे थे नेम द थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये भी अपने में एक इम्पॉर्टेंट है, तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपने बायोडाइवर्सिटी के बताने हैं। ठीक है, जिसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी मैंने आपको नोटबुक पे करवाई थी अच्छे से, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होता है और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अगर आपको दो नंबर का पूछा जाता है तो टोटल आपने इतना ही देना है ना, दो नंबर का पूछा जाए थोड़ी डेफिनेशन और ये तीनों। अगर उसने तीन नंबर का पूछा है तो इन तीनों ही क्लासेस को, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को क्लासीफाई करना। राइट, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर टू आता है, हाउ डू इकोलॉजिस्ट एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो हमने प्रॉपर डेटा बताया था कितनी स्पीशीज हैं, क्या हैं उसको अर्थ पे, कितनी वेल रिकॉग्नाइज हैं, तो किसने कहा है, कौन से साइंटिस्ट थे, जॉन रे कौन था, कैसे, तो सब आपको वहाँ पर नोटबुक पे देखिए, एक इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव द थ्री हाइपोथेसिस फॉर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक दे शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस। है ना, आपको वेराइटीज़ अगर ज़्यादा दिखती हैं तो वो कौन से तीन ऐसे हाइपोथेसिस थे जिसकी वजह से आपको वेराइटीज़ देखने को मिलती है। तो आपने देखा था बच्चे, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड देखोगे, ट्रॉपिकल रीजन्स पे देखोगे और टेम्परेट रीजन्स को जब आप एक्सप्लेन करोगे तो ये तीन इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस निकल के आते हैं कि स्पीशीज रिचनेस क्यों ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप लोग देखोगे। नेक्स्ट आपके पास आता क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लो प्रोग्रेशन इन अ स्पीशीज। वीडियो बनाने का मतलब ही यही है कि इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी ने भी नहीं किया है जो आपको करना ही करना है। ऐसा जैसा ग्राफ था इसमें हम लोग एक लाइन स्ट्रेट खींचते थे जो लॉगरिथम फॉर्म में एरिया, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोल रहे थे और इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल रहे थे। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको बताया था कि वाई एक्सिस पे हम लोग एरिया लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, स्पीशीज रिचनेस लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमने देखा था कि यहाँ पर एक जो ग्राफ बनता है तो वो कैसा बनता है, ऐसे करके फिर नीचे ऐसे आ जाता है। तो ये वाला हाइपर रेक्टेंगुलर मेटाबोला और ये जो स्ट्रेट है बच्चे, ये कौन सा है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्लोप दोनों में, दो स्लोप किस में आता है, हाइपर मेटाबोला वाले में स्लोप आता है। ठीक है, लॉगरिथम वैल्यू अच्छे से याद रखनी है, इस क्वेश्चन में ग्राफ को अच्छे से प्लॉट करना जैसे आपको समझाया गया। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात। अब आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट आर द मेजर काजेज ऑफ स्पीशीज लॉस इन ज्योग्राफिकल रीजन। ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन बोर्ड के लिए यहीं से बन जाएंगे, नीट के लिए आपको एनसीईआरटी डिटेल देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बोर्ड के क्वेश्चन इतने सफिशिएंट है, बट अप टू डेट कभी कभी एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन नीट के भी बन जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। वट आर द मेजर काजेज ऑफ स्पीशीज लॉस इन ज्योग्राफिकल रीजन, बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी है ना ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वेरियस इकोसिस्टम, इट इंक्लूड वेरिएबिलिटी अमंग लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग लैंड एयर एंड वाटर। बायोडाइवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड इज डिक्लाइनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, द फॉलोइंग आर द मेजर काजेज फॉर द थ्रेट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड। हैबिटॉट चेंज होना, हैबिटॉट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी में, लाइफ डाइवर्सिटी में कम हो सकती है या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, ओवर एक्सप्लोटेशन। ठीक है बच्चे, ओवर एक्सप्लोटेशन हो सकती है, ह्यूमन हंटिंग जिसको बोलते हैं, एलियन स्पीशीज को एग्जिस्टेंस मतलब को एक्सटेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट पाँच नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना। राइट, देन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ इज़ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शनिंग। तो यहाँ पर आप लोग जितना हो पाए तो की स्पीशीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे बच्चे। मैंने आपको बताया था कि जो की स्पीशीज होती है वो इकोसिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करके रखती है। तो की स्पीशीज क्या होता है बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया, इसको एक बार अच्छे से पढ़ो आप। ठीक है, हर एक स्पीशीज़ का इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम को बैलेंस करना, बट जब कभी क्या होता है कि कोई स्पीशीज ख़त्म हो जाती है, एक स्पीशीज बनती है, इंडेंजर्ड पे आ जाती है, रेड लिस्ट पे डाल दिया है कि वो रेड डेटा बुक में आ जाएगी कि ये ख़त्म होने वाली स्पीशीज़ है, तो उसको की स्पीशीज कहते हैं। जो एक्चुअल में की स्पीशीज जो होती है वो इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, व्हाट इज़ स्केयर्ड ग्रुप, क्वेश्चन नंबर सेवन, मैंने आपको बताया था कि स्केयर्ड ग्रुप क्या होते हैं है ना, व्हाट इज़ देयर रोल इन कंजर्वेशन, स्केयर्ड ग्रुप का पता होना चाहिए आपको। स्केयर्ड ग्रुप अट्रैक्ट अ फॉरेस्ट विच आर
regenerated around place of workshop scared guru are this and this western ghat karnataka and maharashtra meghalaya and madhya pradesh to help in the protection of many rare threatened and endemic species of plants and animal found in particular area. The process of deforestation is strictly prohibited in these regions by tribals. ठीक है, जहाँ पर रिलीजियस प्लांट्स होते हैं तो वहाँ पर ट्राइबल्स लोग जो होते हैं फॉरेस्ट को कट करके अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ग्रेजिंग एनिमल्स प्लांट कटिंग जो डिफॉरेस्टेशन कहलाती है वो स्ट्रिक्टली मना है ना, क्योंकि वहाँ पर आप नहीं कर सकते क्योंकि किसी के रिलीजियस पे ठेस पहुँचती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अमंग द इकोसिस्टम सर्विसेज आर कंट्रोल ऑफ फ्लड एंड सॉइल, हाउ इज़ द अचीव्ड बाय द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम. अगर आप लोग फ्लड्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इकोसिस्टम में क्या आपकी अचीवमेंट होगी, इकोसिस्टम में आप कौन सी अचीवमेंट करोगे जिससे आप लोग कंट्रोल कर पाओगे फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन. तो सिंपल सी बात है बच्चे, वहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट का ज़्यादा रोल होगा. बायोटिक कंपोनेंट इन द सेंस कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे, जितने ज़्यादा प्लांट होंगे उतना ज़्यादा हमारा जो लॉस हो रहा होता है उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे. ठीक है, ये आंसर है इसका, पढ़ लें अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, व्हाट मेजर्स इन इंडिविजुअल यू वुड टेक रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन. तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बच्चों. प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्लांट लगाएंगे, मेजर प्रिवेंटिंग एयर पोल्यूशन. बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, ये हम पहले पढ़ते थे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 16 में एनवायरमेंटल इशू में, बट वो हट चुका है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बोर्ड का फोकस होगा इस क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जीके पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड डेफिनेटली एज पर द रिकॉर्ड ऑफ बोर्ड एज वेल. ठीक, तो इसमें देखना है मेजर ऑफ प्रिवेंटिंग एयर पोल्यूशन कैसे कैसे, फिर मेजर ऑफ प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन, मेजर ऑफ कंट्रोलिंग नॉइज पोल्यूशन, मेजर फॉर डिक्लाइनिंग सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेशन. ठीक है बच्चे, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट. ठीक है, रिसाइकलिंग री यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड पेपर्स. ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, कैन यू थिंक अ सिचुएशन वेयर द डेलिबरेटली वांट टू मेक अ स्पीशीज एक्सटिंक्ट, हाउ वुड यू जस्टिफाई इट. तो आप लोग देखो इसको. ठीक है, इसके साथ ही आपका ये वाला जो सोल्यूशन वाला बैंक है वो ख़त्म हो रहा है. ठीक है बच्चे, स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को डीपीपी आपकी बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन की. ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या रहती है, +4 फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर इनकरेक्ट रहता है, ये मार्किंग स्कीम है ना. तो हमने 45 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे दिए हैं एज इट इज़, जैसे हम लोग देते हैं. तो आपके ये क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 हर एक को एक एक क्वेश्चन को पढ़ाया गया है बच्चे. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट देखना आपने, बहुत सारी चीज़ें अपनी नोटबुक पे लिखनी है आपने, कौन सी स्पीशीज़ ख़त्म हो रही है क्या है. तो इसको बच्चे कंप्लीट पीडीएफ को आप लोग एक बारी सॉल्व करें और आंसर की पे पहले ही ना जाएं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, फिर उसके बाद आपका 20 क्वेश्चन, हमने इसको कितने अच्छे से क्वेश्चन नंबर 20 को सीखा है. मैं हर बच्चे से क्वेश्चन नंबर 20 क्लास में करवाऊँगा और आप लोगों को आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है. ठीक है बच्चे, सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द इक्वेशन फॉर कर्व ए एंड बी इन द गिवन ग्राफ ऑफ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. तो आप लोग बोल सकते हो बच्चे कर्व ए के लिए कौन सा फार्मूला है और कर्व बी के लिए कौन सा फार्मूला है. तो आपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ठीक करना है आपने. ठीक है बच्चे, तो मुझे तो लग रहा अभी तक कर लिया होगा तुम लोगों ने. तो देखो फिर हमने देखना है कौन कौन सी नेशनल पार्क एंड ऑल सब चल रहा है. तो 40, 41, 45 क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन भी आप लोग मिल जाएंगे आपको, है ना, ये इसके सॉल्यूशंस हैं आगे, बट पहले आप लोग सॉल्व कर लेना क्वेश्चन. ये सॉल्यूशन है सभी के. ठीक है बच्चे, तो आप पहले ट्राई करना सॉल्व करने की. ठीक है बच्चे, थैंक यू क्लास.